पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाखों की भीड़ इकट्ठा करने के मकसद से पहुंच रही भीड़ में अपना योगदान मुंशीराम कश्यप भी देने पहुंचे और भीड़ ले जाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। मुंशीराम कश्यप ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे। मुंशीराम कश्यप 27 विधानसभा से इस बार 2022 में दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें मुंशीराम कश्यप ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। आपने देखा कि रैली इस तरह की थी कि बैठने तक की जगह नहीं थी, वो हर तरफ जाम जाम था और 2 लाख से भी ज़्यादा भीड़ आज अमित शाह जी को सुनने के लिए आई है। इससे ये संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 350 से भी ऊपर जाएंगी। अच्छा, भीड़ ऐसा साबित करती है। आपके द्वारा भी दावेदारी की जा रही है? हाँ, दावेदारी मेरी मुरादाबाद 27 से, मुरादाबाद देहात से मेरे माध्यम से 10,000 वोटर आए थे, 10,000 की। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? अमित शाह क्या संदेश दे गए? देखिए, संदेश ये दे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार आ रही है, पहले से भी ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। जो हमने पूरे 5 साल में सरकार के माध्यम से जो सबसे पीछे व्यक्ति था, जो सबसे ज़्यादा गरीब था, उसको लाभ पहुंचाया। जो जिंदगी में जब से देश आज़ाद हुआ किसी भी पार्टी ने उस सबसे गरीब आदमी को लाभ नहीं पहुंचाया, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कोई जातिवाद नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका विकास होगा, जो सबसे गरीब होगा उसका सबसे पहले विकास होगा, ये संदेश जनता का आज आया है। और जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। उसके माध्यम से ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, जो भी हिंदुस्तान में रहता है और जो गरीब है उसका पहले सबसे पहले विकास होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।